यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ उत्तर प्रदेश 9 सितंबर को अपनी 25वीं स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर एक महाअधिवेशन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय यूनियन बैंक, अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ एवं उत्तर प्रदेश प्रांत की आम सभा आयोजित की जाएगी। इस महाअधिवेशन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कई वरिष्ठ कार्यपालक मुंबई से एवं लखनऊ व वाराणसी से कई क्षेत्र प्रमुख सम्मिलित होंगे। उक्त जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में संस्था के महासचिव डॉक्टर अमृतांशु ने दी। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष जी करुणानिधि, सलाहकार रविन्द्र राम, अध्यक्ष विनोद प्रसाद शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो मैं ये ब्रीफ कर लूँ कि हमारा संगठन 25 वर्ष अपनी स्थापना के पूरे कर चुका है। इस 25 वर्ष के अवसर पे हम एक रजत जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हम एक चौथा अधिवेशन भी उसमें शामिल है। इस अधिवेशन के अवसर पे हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, बैंक के डिग्नेटरीज हैं, बैंक के जो बड़े और वरिष्ठ कार्यपालक गण हैं वो भी रहेंगे, हमारे जो नगर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे एक्चुअली। और कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य आदरणीय श्री बी.बी. कमल साहब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इस अवसर पे हमने सोचा कि हमारी जो कुछ मूल मांगे हैं जो भारत सरकार के समक्ष हम रखना चाहते हैं, इसलिए महाधिवेशन की पूर्व संध्या पे हम इस प्रेस वार्ता को रखा है। किन किन चीजों पे मंथन होगा इस बैठक में? मूल रूप से देखिए, चूंकि हमारे बीच हमारे ऑल इंडिया जो बॉडी है यूनियन बैंक का बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के, उसके अध्यक्ष आदरणीय जी करुणानिधि भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने लगभग 35 वर्षों से सामाजिक जो न्याय की लड़ाई होती है इसको लड़ा है इन्होंने। जब मंडल कमीशन 8993 में लागू हुआ था, इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने संगठन को बनाया और एक बहुत बड़े स्तर पे हम पूरे बहुत विभिन्न करीब 12 हमारे 52 जो डिफरेंट एसोसिएट्स हैं, जिसमें गार्डियंस फैक्ट्री है, रिजर्व बैंक है, रेलवे है, LIC है, दूरदर्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, PNB है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी जगहों पर करुणानिधि ने बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की है और सम्मिलित रूप से हम भारत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हैं। मुख्य मांगे क्या मुख्य मांगों में हम ये है कि प्रोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, उसके लिए रिजर्वेशन का मानक तय किया जाए, क्योंकि बहुत उच्च पदों पे हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के जो अधिकारी हैं वो नहीं है, बहुत नगण्य है, यह मुश्किल से 3% से लेकर के 8% के बीच में है।